सो हाई गाइज, तन्मय दिस साइड फ्रॉम ट्रैवलिंग पाजी, और आज की वीडियो में हम लोग जा रहे हैं निज़ामुद्दीन स्टेशन से दिल्ली से पूना। ये कुछ 20 घंटे का सफ़र है जो हम लोग कवर करने वाले हैं साथ में मिलके, एक 15 से 20 मिनट की वीडियो में, फर्स्ट एसी में। अभी फ़िलहाल हम लोग हैं दुरंतो एक्सप्रेस में और हम लोग साथ में मिलके एक्सप्लोर करेंगे क्या बढ़िया सा यहाँ पे खाना मिलता है, क्या यहाँ पे ऑप्शंस है, आपको फैसिलिटीज़ फ़र्स्ट एसी में क्या क्या मिलती हैं, दुरंतो राजधानी से कैसे अलग होता है, फ़र्स्ट एसी दुरंतो का क्या एक्सपीरियंस होता है, व्यूज़ कितने अच्छे आते हैं और क्या यहाँ पे कॉस्टिंग रहती है, ट्रेन के टाइमिंग्स, बुकिंग्स, टाइम टेबल, सारी चीज़ें हम लोग साथ में मिलकर एक्सपीरियंस करेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो को यहाँ से शुरुआत करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करके कुछ भी बढ़िया सा बताइएगा कि और कौन सी ट्रेन की वीडियोस देखना चाहते हैं आप। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई आप राजधानी की वीडियोस आपने डाली हुई है, आपने सुपर फास्ट ट्रेन्स की वीडियो डाली हुई है, आपने बहुत सारी ट्रेन्स की वीडियो डाली हुई पर आपने दुरंतो की नहीं डाली। तो मैंने सोच लिया कि दिल्ली से पूना जा रहा हूँ, फिर वहाँ से मुंबई को निकलूँगा, फिर मुंबई का आप कुछ कुछ वीडियोस देखोगे, फिर मुंबई से वापस आऊँगा तो वो भी दुरंतो में ही, मतलब दुरंतो की वीडियोस आपको अभी दिखाऊँगा बढ़िया बढ़िया, अलग अलग दुरंतोस के अलग अलग रूट से और अलग अलग एक्सपीरियंसेस के साथ आपको वीडियो दिखाऊँगा। तो आपको ऐसी टाइप की वीडियोस पसंद है, आपको ट्रैवल की वीडियोस पसंद है, सिर्फ ट्रेन्स की नहीं, बैक पैकिंग, हॉस्टल्स की, अलग अलग शहरों में घूमने की, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में मिलकर आप वीडियो स्टार्ट करते हैं इन 3, 2, 1 एंड फ्यू। तो फाइनली अभी पुणे दुरंतो में आ गए हैं और बाकी बातें अंदर चल के करते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 11:20 और पूरे 10:55 जो ट्रेन का टाइम था स्टार्ट होने का, तब एकदम निकल गई होगी। और जो पीछे आपने टाइम लैप्स देखा वो बहुत ही खूबसूरत जर्नी अभी काफ़ी सही चल रही है। स्पीड भी आई थिंक ट्रेन की काफ़ी अच्छी चल रही है, एवरेज जो स्पीड इसकी 70 के आसपास रहती है और एक बीच में स्ट्रेच आता है जब 130 के आसपास चलती है। वो सारी चीज़ें अंदर जाके बताऊंगा वीडियो के अंदर जैसे जैसे प्रोसीड करती है। फिलहाल 11:15 के आसपास सूप आया, टोमेटो सूप विद वेरका का बटर, और अभी कुछ 12:30 के आसपास लंच आएगा। इस टिकट के लिए मैंने कुछ अराउंड 5,000 रुपीज़ पे करे थे जिसके अंदर आपके सारी मील्स वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड रहता है। और मैं अभी वॉशरूम चेक करके आया तो शावर एरिया भी है। तो आज इसको पहली बार यूज़ करूँगा, क्या तो रात में यूज़ करूँगा या सुबह यूज़ करूँगा, क्योंकि जो मैं होटल मैंने बुक करा है वो सुबह सुबह 7 बजे ये ट्रेन पहुँच जाएगी और मेरे को पहुँचते ही पुणे काम पर निकलना है। तो होटल में तो चेक इन मिलेगा 11:12, तो मेरे को एक शावर लेना है, या तो रात में शावर लूँगा या सुबह शावर लूँगा। पहली बार ट्रेन में शावर लूँगा तो मैं मोस्ट प्रोबेबली रात में शावर भी लूँगा। तो अभी वो जैसे भी रहेगा मैं प्रोसीड करता हूँ, देखता हूँ। अभी तो सूप पीते हैं और जब लंच आता है तो आपको बताता हूँ, तब तक आप थोड़े व्यूज़ इन्जॉय करिए। काफ़ी सर्दियों की जर्नी है तो हरे हरे खेत, बढ़िया व्यू है। और फर्स्ट एसी में ट्रैवल करने का जो बेस्ट पार्ट मेरे को जो लगता है कि ये है H1 डब्बा और इसी के साथ में ही है AC हॉट बफे कार, जो भी पैंट्री, बेसिकली एक किचन है जो फर्स्ट एसी का खाना जो होता है एकदम फ्रेश आता है। और IRCTC का जो आपका पैक्ड खाना होता है वो अलग होता है, सेकंड और थर्ड कोच में जो वो बाकी पूरी ट्रेन का अलग खाना होता है, और फर्स्ट एसी का खाना जो फ्रेश आता है और वो साथ वाले डब्बे से ही आ रहा है, तो मतलब कितना फ्रेश। और ट्रेन के खूबसूरत व्यूज़ इन्जॉय करते करते फ्रेश फ्रेश खाना, ऐसी जर्नी कट जाएगी और हम पहुँच जाएंगे दिल्ली से पुणे। फ्रेश टोमेटो सूप, हाँ जी। तो दुरंतो का जो मतलब होता है वो बांग्ला में, दुरंतो को अगर लिटरल ट्रांसलेशन करें तो मतलब होता है रेस्टलेस, मतलब एकदम इना फुर्ती से एक जगह से दूसरी जगह पे जाने को दुरंतो बोला जाएगा अगर
आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो जब 2004-5 के आसपास दुरंत जब स्टार्ट हो रहा था या उसके जो प्लानिंग चल रही थी, तो वो ये प्लानिंग चल रही थी कि अगर जैसे हम लोग अभी इस वीडियो में हम लोग पुणे दुरंतो में हैं, तो अगर इस जर्नी का एग्जांपल ले दिल्ली से पुणे का, कि दिल्ली से जर्नी स्टार्ट होगी और पुणे में आके रुक जाएगी और बीच में जो अभी जो स्टॉप्स आ रहे हैं, कोटा का, रतलाम का आ रहा है, आपका वसाई का आ रहा है और जो लोनावला का स्टॉप आ रहा है, ये सारे जो स्टॉप्स थे ये कोई ऐसे स्टॉप्स नहीं थे पहले। दिल्ली से स्टार्ट हुई, पुणे में आके रुक गई 19 घंटे डायरेक्ट नो स्टॉप्स, कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कनेक्टिविटी, बीच में कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, कि फास्ट फास्ट पहुँचे आप लोग। ये ओरिजिनल प्लान था दुरंतो का। बट 2011 में क्या आया, एक विचार आया, सोच आया, जो भी, मतलब इंडियन रेलवेज ने ये सोचा कि दुरंतो का ना अब पॉइंट ए से पॉइंट बी नहीं रखना, बीच में पॉइंट ए से बी सी डी ई एफ में जाके फाइनल डेस्टिनेशन, मतलब कहने की बात है सोर्स अगर हम लोग दिल्ली ले और डेस्टिनेशन ले पुणे, तो बीच में जो स्टॉप्स आएंगे उसको कमर्शियल स्टॉप्स कर दिया। पहले वो थे टेक्निकल स्टॉप्स। टेक्निकल स्टॉप्स माने मतलब कोटा में ट्रेन रुकी, थोड़ी उसकी इंस्पेक्शन वगैरह हुई, वो सब हुआ, रतलाम में स्टाफ चेंज हुआ सपोज, ऐसे ऐसे करते करते थोड़े थोड़े टाइम तक जो ट्रेन रुकती थी उस रुकने के टाइम में उसको कमर्शियल स्टॉप कर दिया। मतलब वहाँ से आप चढ़ भी सकते हैं, कोटा से आप उतर भी सकते हैं, आप लोनावला चढ़ भी सकते हैं। अगर किसी को पुणे नहीं जाना भाई, लोनावला की सुंदरता देखनी है, तो उसको क्या करना पड़ता था पहले कि पुणे अगर दुरंतो में ट्रैवल कर रहा है तो पुणे तक जाएगा, फिर वापस उल्टा लोनावला आएगा, तो अब वो लोनावला एक स्टॉप है, तो अब वो सीधा लोनावला पे उतर सकता है और पुणे नहीं जाएगा। तो ये प्रोसेस 2011 में चेंज हुआ। तो पहले दुरंतो की अपनी एक आइडेंटिटी थी, बट जब ये 2011 में ये चीज़ हुई ना, तो अब कन्फ्यूजन हो गई कि मतलब दुरंतो स्टैंड कहाँ पे करता है। मतलब सबको पता कि राजधानी जो है वो सबसे टॉप पे है, और राजधानी का जो फर्स्ट एसी है, मतलब उससे ऊपर तो फिर वो एकदम ही, मतलब जैसे कहते हैं ना, महंगी वाली चीज़ें ही रहती हैं, जो जैसे आपको पता है पैलेस ऑन व्हील्स और वो सारी, मतलब अफोर्डेबिलिटी से भी बाहर है वो सारी चीज़ें। मतलब अगर नॉर्मल जनता की बात करें तो राजधानी फर्स्ट एसी से ऊपर कुछ नहीं है। उसके बाद फिर दुरंतो कहाँ पे आता है ट्रैक में, तो फिर थोड़ा सा सोच विचार करने के बाद समझ आया कि दुरंतो नीचे आता है। राजधानी अभी भी हाई प्रायोरिटी है, राजधानी को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है, और द सर्विस और कम्फर्ट और इन एवरी सिनेरियो राजधानी इज़ द बेस्ट। बट उसके नीचे ट्रैक में दुरंतो और आप लगा सकते हैं उस सेंस में कहीं पे, और आज हम लोग दुरंतो में फर्स्ट एसी में उस सेंस में ट्रैवल कर रहे हैं, और आप लोगों को भी वही एक एहसास कराने की कोशिश कर रहे हैं घर बैठे बैठे डिजिटली। आप टाइम लैप्सेस एंजॉय करिए, व्यूज एंजॉय करिए। मेरे को बस ये समझाना था, क्योंकि मेरे दिमाग में भी एक क्वेश्चन था कि अगर दुरंतो पॉइंट ए से पॉइंट बी कनेक्टिविटी नहीं दे रहा है, बीच में रुक रहा है, स्टॉप्स ले रहा है, तो फिर दुरंतो की ज़रूरत क्या है। तो फिर मैं अभी मेरे जो को पैसेंजर है उनसे बात ही कर रहा था, हम लोग डिस्कशन ही कर रहे थे, तो समझ आया कि जैसे जो राजधानीज़ है, कि जो स्टेट्स की कैपिटल्स है, कैपिटल्स को कनेक्ट करने के लिए बेसिकली राजधानी का यूसेज है। तो जैसे पुणे है, पुणे जैसे जैसे MBA के कॉलेजेस बढ़ी जा रहे हैं हायर स्टडीज़ के, तो पुणे में बहुत सारा कॉलेज का कल्चर आ गया। अब उसके लिए एक राजधानी बनाना इज़ नॉट अ एडवाइजेबल, मतलब नहीं लगा होगा कि राजधानी एक सेपरेट बना दी जाए। तो दुरंतो के लिए दिल्ली पुणे की कनेक्टिविटी होगी। अगर आप ट्रैक में देखें तो इंडियन रेलवेज़ के ट्रैक में ज़्यादा ट्रेनें नहीं चलती दिल्ली से पुणे, जो एकदम अच्छी, मतलब जैसे मानते हैं। ये एक रीज़न है दुरंतो के एग्जिस्टेंस का, जो अब मुझे थोड़ा सा समझ आया। और मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा था, तो मेरे को लगा जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे उनके दिमाग में भी ये क्वेश्चन होगा, तो मैंने एक क्लियर कर दिया। तो अगर मैं ट्रेन के रूट की बात करूँ, तो फिलहाल अभी टाइम हो रहा है कुछ 12:20 हो रहे हैं, और अभी हम लोग मथुरा स्टेशन पे जस्ट आई थिंक एक ऐसे ही रुके हुए हैं, कोई यहाँ पे स्टॉप नहीं है। तो ये रूट जो अभी ले रही है ना, ये दिल्ली से मथुरा होते होते फिर वहाँ से टर्न मारेगी, आई थिंक कोटा की तरफ आएगी। तो मतलब दिल्ली है अभी हम लोग दिल्ली में हैं, दिल्ली से स्टार्ट हुए हम लोग, दिल्ली से हम लोग गए यूपी, यूपी में मथुरा की तरफ गए, फिर यूपी से हम लोग कट मार के आ जाएंगे राजस्थान में कोटा की तरफ, कोटा से हम लोग जाएंगे वडोदरा गुजरात की तरफ, गुजरात से हम लोग जाएंगे महाराष्ट्र की तरफ, महाराष्ट्र में वसई और लोनावला और पुणे, फिर लोनावला क्रॉस करते करते फाइनली पहुँचेंगे पुणे। तो और ये सब करने कुरने में कुछ लग जाते हैं 1520 किलोमीटर, जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है 20 घंटे देके अपने कीमती ज़िंदगी के 20 घंटे आप फर्स्ट एसी की लग्जरी में बिताते हैं, और जो फर्स्ट एसी की लग्जरी आपको बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं करने देगी कि आपके 20 घंटे ऐसे निकलते हैं चुटकी बजाते। टेबल सज चुका है खाना लगने के लिए, वेजिटेरियन ऑप्शन पूछ चुके हैं, और साथ में बगल में लाइव किचन है। कोशिश रही, और अगर ज़्यादा आनाकानी नहीं करी तो मैं आपको किचन भी दिखाऊंगा इनकी।
फिलहाल तो अभी खाना आ रहा है, पनीर आ रहा है, दाल आ रही है फ्रेश, आई थिंक चावल और रोटी और मीठा मीठा जैसे भी रहता है खाना आता है, वेट करते हैं, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है खाने की। थैंक यू बॉस, खाना आ गया, खाते हैं। बहुत प्यारी खाने की खुशबू आ रही है, मतलब जस्ट फॉइल्स में रैप हो के आया हुआ है। आई थिंक ये तो चपाती होगी, गरम गरम ताज़ी ताज़ी। ये दाल है, ये पनीर, ये दाल राइस होंगे, हाँ, ये फ्रेश फ्रेश चपाती। 12:30 बज रहे हैं और हम लोगों का लंच आ चुका है। इससे पहले सूप आया था जो मैंने आप लोगों को दिखाया था स्टार्टिंग में, हम लोगों को पानी की बोतल मिली थी एक, और एक ये छुटकू सा तड़का छाछ मिली थी। बेसिकली आप जिस भी जगह पे ट्रैवल कर रहे हो और जो भी टाइम ऑफ द ईयर है उसके हिसाब से आपको ये वेलकम ड्रिंक मिलती है। ये जो होती है ये सिर्फ फर्स्ट एसी में मिलती है, सेकंड और थर्ड एसी में ये नहीं मिलती, सेकंड थर्ड एसी में आपको सिर्फ ये मिलता है। एनीवे खाने की बात करें अभी तो दाल मिल रही है, बहुत ही ज़्यादा खुशबू आ रही है खाने से ना, मतलब आहा, जीरे का बढ़िया सा चोखा लगाया हुआ है, धनिया धनिया, मतलब एकदम तरोताजगी वाला खाना है। मतलब इसको देख के, इस खाने को देख के कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि ये खाना जो है ना इंडियन रेलवेज ने दिया है। लोगों की एक जो परसेप्शन होती है ना कि भाई इंडियन रेलवेज का खाना एकदम थकेला सा होता है, अब ये चावल देखो यार, मतलब ये चावल कैसे सजा रखे हैं और इसके अंदर कैसे, मतलब और गाजर और मतलब काफ़ी अच्छी सी ऐसे प्लेट लग रही है और साथ में आपको मिक्स पिकल मिला हुआ है। खाना एकदम बढ़िया है, दाल एकदम जैसे कहते हैं ना घर के बाद अगर मेरे को कहीं और की दाल पसंद आती है तो वो फर्स्ट एसी में इंडियन रेलवेज की दाल, इतनी बढ़िया दाल है। पनीर से ज़्यादा मेरे को दाल पसंद आ रही है, पनीर भी काफ़ी सॉफ्ट है, कढ़ाई पनीर है, एकदम फ्रेश है, ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा ना यार एमिस है, इवन जैसे लोगों को लगता है ना पापड़ सी रोटी है, सॉफ्ट सॉफ्ट सी रोटी है, रोटियाँ भी अच्छी है और चावल भी कच्चे नहीं है, जैसे कभी बार चावल भी कच्चे होते हैं, मतलब ये तो मैं कंपैरिजन ही गलत कर रहा हूँ, अभी मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ कि एकदम एवरेज खाने से, ये खाना ऐसा है कि अच्छे खाने से इसको कंपैरिजन कर सकते हैं तो भी खाना और अच्छा है। हाँ जी, तो मेरे से ना काफ़ी सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं तो मैंने सोचा इसका ना एक आंसर दे ही देते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि भाई आप जो लंबी लंबी जर्नीज करते हैं, जैसे इस जर्नी को करने में भी 20 घंटे लग रहे हैं, तो मैंने जैसे एक पीछे वीडियो डाली थी बैंगलोर राजधानी की जिसको करने में मेरे को कुछ 32 घंटे लगे थे, कि आप लोग भाई 2 घंटे की एक फ़्लाइट लेके ख़त्म क्यों नहीं करते, मतलब सस्ते में भी निपट भी जाओगे और टाइम भी बचेगा। आजकल की दुनिया में तो भाई हर किसी को टाइम से चिक चिक है, टाइम से पहले पहुँचना है। इसको समझने के दो पहलू है, पहला पहलू है प्राइस का और दूसरा पहलू है कंफर्ट का। अगर प्राइस की बात करें तो फ्लाइट और जो ट्रेन है दोनों के जो प्राइसेस होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। फिलहाल मैं हूँ अभी दिल्ली से पुणे जाने वाली पुणे दुरंतों में, जिसके लिए मैंने फर्स्ट एसी के डब्बे के लिए कुछ 5089 रुपीस पे करे हैं। 10:55 पे ये ट्रेन चालू हुई थी, तो मेरे को एक पानी की बॉटल, वेलकम ड्रिंक, जलजीरा टाइप, फ्रेशली मेड भरपेट लंच मिला, शाम को मिलेगी चाय, सूप मिला था लंच से पहले, और रात को भी सूप मिलेगा डिनर से पहले, रात में डिनर मिलेगा और सुबह उठ के आई थिंक चाय फिर से मिलेगी। ये सारा खाना इंक्लूडेड इन द प्राइस, फर्स्ट एसी का बहुत ही कंफर्टेबल बेड जो आप अभी देख रहे हो, साथ में पिलो, एक कंबल, मतलब क्विल्ट टाइप सा और कंफर्टर टाइप सब मिला मेरे को 5089 रुपीज़ में। और क्या मिला मेरे को, एक बहुत ही बेहतरीन सा व्यू जिसके लिए इंडियन रेलवेज जाना जाता है, एक शावर कंपार्टमेंट मिल रहा है मेरे को जिसके अंदर मतलब टॉयलेट्स और वॉशरूम आपके अलग हैं जो भी एकदम वेल मेंटेन्ड और एकदम साफ़ सुथरे हैं, पर एक शावर कंपार्टमेंट मिल रहा है। ये थी रेलवेज़ की बात, फर्स्ट एसी की लग्जरी की बात। अब अगर मैं दिल्ली से पुणे फ्लाइट से जाना चाहूँ तो फ़्लाइट का किराया मेरे को पड़ता है कुछ 3200 से 3500 रुपये के बीच में, 2 घंटे में मैं पहुँच जाऊँगा, तो 2 घंटे पहले अराइवल, 2 घंटे और 2 घंटे की फ़्लाइट, 4 घंटे, 4 घंटे मेरे को ट्रैवल करने में लग जाएंगे पुणे पहुंच जाऊंगा दिल्ली से। और मेरे को क्या मिलेगा, इकोनॉमी की सीट जिसके अंदर खाना नहीं होगा और लेगरूम छोटू सा। मेरा ये मानना है कि आप गलत चीज़ को गलत चीज़ से कंपेयर कर रहे हैं। अगर आप सेब को संतरे से कंपेयर करेंगे तो कैसे काम चलेगा, सेब सेब है, संतरा संतरा है। इस सेंस पे रेलवेज़ रेलवेज़ है, फर्स्ट एसी है और
फ्लाइट फ्लाइट है। तो अगर आपको कंपेयर करना है तो आप कंपेयर करिए फर्स्ट एसी को बिजनेस क्लास से या कंपेयर करिए स्लीपर को इकोनॉमी क्लास से, तो आपको रेट्स भी ऑलमोस्ट उतने ही मिलेंगे। रेट्स में हमेशा रेलवे सस्ती पड़ेगी आपको अगर आप सेब को सेब संतरे को संतरे से कंपेयर करते हैं, और कंफर्ट आपको रेलवेज़ में ज़्यादा मिलेगा। अब वो अलग बात है, अगर आपको टाइम की ज़्यादा जल्दी है तो फ्लाइट ही सबसे बड़ी ऑप्शन है। तो फिलहाल टाइम हो रहा है 3:15 और हम लोग अभी कोटा स्टेशन पहुँचे हैं। कुछ 15 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे, बड़ा सिंपल सा स्टेशन है। हमेशा से तमन्ना रही है कोटा में कोटा का चौड़ी खाने की, बट आई डोंट थिंक स्टेशन पे मिलती है। 15 मिनट का हॉल्ट है, थोड़ा टहलते हैं। थोड़ा सो भी लिया था मैं, सो के जस्ट अभी उठा तो कोटा स्टेशन आ गया। बाकी यहाँ से जब गाड़ी निकलेगी तो पहुँचेंगे रतलाम। वो बीच में व्यूज़ बड़े प्यारे से थे। अभी मैं थोड़ा सा स्टेशन एक्सप्लोर करता हूँ और फिर जैसी हरी झंडी मिलती है ट्रेन को तो फिर निकलते हैं। ये हम लोगों का शाम का नाश्ता आ चुका है, 4:15 ही बज रहे हैं, बट चलो मान लेते हैं शाम है। तो मैंने जब आप लोगों को लास्ट अपडेट करा था तो फिर मैं तब सो गया था थोड़ी देर, काफ़ी अच्छी नींद आई। उसके बाद कोटा स्टेशन आया, जो आप लोगों ने पीछे क्लिपिंग देखी कोटा स्टेशन की, और वहाँ से अभी हम लोग निकल गए हैं। अभी हम लोग आई थिंक राजस्थान के या तो बॉर्डर पर होंगे या MP एंटर करके होंगे टूवर्ड्स, वी आर गोइंग टू रतलाम नेक्स्ट स्टॉप पर। और तब तक 4:15 के आसपास कुछ शाम का नाश्ता है, एक देखते हैं क्या क्या है। काफ़ी अच्छी प्लेट सजाई है इसमें, ये ब्रेड सैंडविच है, वेज सैंडविच है ये भी कोई एक स्नैक है, इसको भी खोलते हैं। ये देखो आप पहले क्यूट सा डब्बा मिठाई का, सो ब्यूटीफुल। ये आपका चाय बनाने के लिए क्रीमर और टी बैग, दो एक्लेयर्स भी दिए आपको, और इधर क्रिस्पी आलमंड्स, ब्यूटीफुल सा टेबल। तो सब कुछ खाने के बाद हम लोग इस नतीजे पे पहुँचे कि ये एमिसा था, ये काफ़ी अच्छा था, इसको इसके साथ कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लगता है, इसका इसके साथ और इसके साथ कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा लगता है। ये देखने में मैसूर पाक जैसा था पर निकला थोड़ा खोदा पाठ निकली चुहिया टाइप सा, और ये हमारे जैसे कहते ना महंगे वाले कि आप घर में कभी ना लो, ये चटर पटर सामान था ये हमारा। इसके बाद आएगा सूप और उसके बाद आएगा डिनर। पहली बार रेलवेज़ में कॉन्टिनेंटल खाना खाऊंगा, पर इन दोनों में से ना मेरे को ये ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। देसी तो देसी होता है ना मेरा। लाल अभी हम लोग टाइम हो रहा है 8:30 और हम लोग अभी कुछ ही देर में वडोदरा पहुंचने वाले हैं। कुछ शाम को 5:30 के आसपास हम लोग रतलाम पहुंचे थे। बढ़िया खाना है। शाम को 5:30 के आसपास हम लोग रतलाम पहुंचे थे, मध्य प्रदेश से निकले वडोदरा पहुंच रहे हैं। वडोदरा पहुंचते फिर आई थिंक रात में कभी हम लोग वसाई पहुंचेंगे, एकदम से लाइट फ्लक्चुएट हुई। ट्रेन अभी ऑन टाइम है, स्पीड मेंटेन करके रखी हुई है, कुछ 100 की स्पीड पे चली जा रही है। एक्सपीरियंस बढ़िया जर्नी, और स्टाफ बहुत ही ज़्यादा कर्टियस, आपको एकदम 5-स्टार होटल के कम्फर्ट वाली फीलिंग आती है फर्स्ट एसी में। अभी तो सोते हैं और आपसे बात करते हैं सुबह सुबह जब 6:00 लोनावला पहुंचेंगे। बाय बाय। अभी कुछ टाइम हो रहा है, सुबह के 6:15 वाले हैं और जस्ट अभी हम लोग पहुंचे हैं लोनावला स्टेशन पे। अभी ट्रेन रुकी हुई है, रात में नींद काफ़ी अच्छी आई। अभी फ़िलहाल मैं थोड़ा सा कुछ काम वगैरह कर रहा हूँ। मेरे जो को पैसेंजर यहाँ पे थे, जिनको आपने थोड़ा सा वीडियो में भी देखा होगा, वो अभी लोनावला उतरे हैं। तो यहाँ से अभी कुछ पुणे का सफ़र 1 घंटे का है, तो ऑन टाइम पहुँच जाएंगे। 5-10 मिनट ऊपर नीचे चलता है, 20 घंटे की ट्रेन है, इतना ऊपर नीचे तो चलता है। इंडियन रेलवेज़ है, आप लोगों की और मेरी मुलाकात सीधा पूना जाके होगी, पूना में बात करते हैं। ठीक है जी, बाय। हाँ जी, मस्त एकदम रेडी वेडी हो गया, फ्रेशन अप हो गया। अभी फ़िलहाल चलते हैं पुणे, स्टेशन आ चुका है पुणे का। हाँ हाँ हाँ, और डॉट 7:00, मतलब आई थिंक अभी पूरे 7:00 बजे। यस, 1 मिनट है, 7:00।
7 बजने में भी 1 मिनट है। तो बस यहीं पे ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। पूरे पुणे दुरंतो का निज़ामुद्दीन से स्टार्ट हुई, पुणे पर जाके अटकी। 20 घंटे का सफ़र हम लोगों ने साथ में मिलकर कवर करा। बहुत बढ़िया खाना खाया, बहुत बढ़िया ब्यूटीफुल व्यूज़ देखे और बहुत बेहतरीन स्टाफ था, वन ऑफ द गुड स्टाफ को भी एक्स्ट्रा टिप दे दी हम लोगों ने। और हमारे जो को पैसेंजर थे वो भी हमारे रोहिणी कहीं निकले, तो और बढ़िया सफ़र निकल गया। सफ़र अच्छा तब निकलता जब आसपास के लोग और अच्छे होते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप कौन सी अगली ट्रेन वीडियो देखना चाहते हैं, या फिर कुछ भी नया सजेशन हो या कुछ भी देखना चाहते हो बताइएगा ज़रूर। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि उसको पूरी करूँगा। आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल पहुँचता हूँ पुणे, मेरी हॉस्टल की बुकिंग, और वो हॉस्टल ऐसा है कि वो कामकाज वाला हॉस्टल है। कैसे है, क्या कहानी है, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, अब से ट्रैवलिंग बाजी की वीडियो जो होगी हफ्ते में 2 बार, वैसे तो थोड़े टाइम पहले से ही हफ्ते में 2 बार आ रही है, पर अब सब है हफ्ते में 2 बार आएगी। नए साल से कुछ नई चीज़ें कर रहे हैं, कुछ नए चेंज ला रहे हैं वीडियोस में। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत बेहतरीन कॉन्टेंट के साथ, पुणे की सैर करते हुए। वेलकम टू द सिटी ऑफ एजुकेशन, वेलकम टू द सिटी ऑफ कॉलेजेस, पुणे।